भारत ने OIC और पाकिस्तान को लगाई जमकर लताड़। पाकिस्तान को किया दुनिया के सामने बेनकाब। भारत के खिलाफ कर रहा था दुष्प्रचार, मिला करारा जवाब, मुंह ताकता रह गया आतंकिस्तान। बाढ़ की मार झेल रहा पाकिस्तान को सहायता के नाम पर भीख क्या मिली, वह भारत के खिलाफ नए नए पैतरे आजमाने से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जो खुद कुल्हाड़ी पर पैर मारता है। पाकिस्तान ने एक बार फिर यही हरकत की है। पाकिस्तान यूएन की फटकार अभी भूला भी नहीं होगा कि भारत ने एक बार फिर जेनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान और OIC को लताड़ लगाई। पाकिस्तान ये अच्छी तरीके से जानता है कि भारत को गुस्सा दिलाया तो अंदर तक घुस कर मारेगा, क्योंकि भारत में कमजोर नहीं एक मजबूत मोदी सरकार है जो करारा जवाब देने में विश्वास रखती है। कश्मीर पर पाकिस्तान OIC के बयान पर मानवाधिकार परिषद में भारत के सेक्रेटरी पवन बधे ने पाकिस्तान OIC को नसीहत दे डाली। उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने दुर्भावनापूर्ण प्रचार को बढ़ावा देने के लिए इस प्रतिष्ठित परिषद के मंच का दुरुपयोग करने से बाज नहीं आया। बता दें कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अलग अलग मंचों पर दुष्प्रचार करता रहता है। इस झूठे पाकिस्तान में खुद मानवाधिकारों का हनन होता है, वह भारत को नसीहत दे रहा है। मक्कार पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों पर जुल्म पे जुल्म वहां की मौजूदा सरकार के इशारे पे होता रहा है। हिंदू लड़कियों को दिन दहाड़े उठा लिया जाता है, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता है। ऐसे में भारत में मानवाधिकार को लेकर सवाल उठाना बेईमानी है। आतंक को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में आतंक की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। वह जम्मू कश्मीर में आतंक बढ़ावा देने का काम करता है। दरअसल पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास परियोजनाओं से डरा हुआ है, जिसके कारण वह दिन प्रतिदिन नए नाटक को करने से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में भारत के दो टूक से OIC तथा पाकिस्तान का अकल ठिकाने तो आ ही गया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन न्यूज़।